डीएसपी देवेंद्र सिंह जिसकी गिरफ्तारी होती है, एनआईए जांच कर रही होती है, मगर इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि साहब एनआईए का मुखिया क्या उसे बचा नहीं लेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उन तमाम चीजों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। गुजरात के दंगों की जांच से लेकर के कई सारे ऐसे मौके आए जब इस शख्स की भूमिका संदिग्ध रही है, राहुल के ऐसे आरोप हैं। देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र सिंह मामले में राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर, ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। डीएसपी देवेंद्र केस एनआईए को देने पर भड़के राहुल गांधी। राहुल ने गुजरात दंगे से जोड़ा कनेक्शन। देवेंद्र सिंह को चुप कराना चाहती है सरकार। आतंकियों की मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए देवेंद्र सिंह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, देवेंद्र सिंह को चुप करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दे। एनआईए की अगुवाई भी एक और मोदी ही कर रहा है, वाईके मोदी, जिसने गुजरात दंगे और हरेन पांड्या मामले की जांच की थी। वाईके की अगुवाई में यह केस उसी तरह है मानो पूरी तरह से दब गया है। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस का काम ही संस्थाओं पर सवाल उठाना है। कांग्रेस पार्टी की आदत है कि वो हर संस्थान पर सवाल उठाती है। सीबीआई पे सवाल उठाया, एनआईए पे सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया। कोई ऐसा संस्थान है जिस पर सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया? क्या हो गया है कांग्रेस को? किस तरह की भाषा बोल रही है कांग्रेस, इसका जवाब देश की जनता देगी। खास करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, कोई आतंकी हमला हो जाए उसके मुद्दे पर, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विवाद बनाती है। आपको बता दें कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कुलगाम से डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ दो आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे जो कि नई दिल्ली में बड़े धमाके करने की साजिश रच रहे थे। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा पर कई तरीके से सवाल खड़े हुए। बाद में एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। गौर करने वाली बात यह कि देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जुड़ी जांच एनआईए को सौंपी है। इसी के बाद विपक्ष इस मसले पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।